हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से पाइनएप्पल सूफ़ले। ये बस 5 मिनट में तैयार हो जाता है। ये बेहद लजीज है और बग़ैर किसी मेहनत के। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल जाए। सूफ़ले बनाने के लिए हमें चाहिए 1 लीटर विप क्रीम, 1 कंडेंस्ड मिल्क का टिन, 1 इवेपोरेटेड मिल्क का टिन, 1 पाइनएप्पल का टिन और 1 पाइनएप्पल जेली का पैकेट। सबसे पहले हम पाइनएप्पल जेली बनाकर उसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद सूफ़ले बनाएंगे। पाइनएप्पल जेली बनाने के लिए एक सॉस पैन में 1 कप पानी डालकर उसे उबाल आने तक के लिए रख देंगे। और जैसे ही पानी में उबाल आएगा हम उसमें पाइनएप्पल जेली का पैकेट ऐड कर देंगे। जेली डालने के बाद हम मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे ताकि सारी जेली पानी में मिक्स हो जाए, वरना ये नीचे जम जाएगी और जल जाएगी। दूसरी दफ़ा उबाल आने पर हम 2 से 3 सेकंड तक इसे और पकाएंगे और फिर किसी प्याले में निकाल कर इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर। सूफ़ले में हमें कोई भी चीज़ गर्म नहीं डालनी वरना विप क्रीम फट जाएगी। अब सबसे पहले ठंडी विप क्रीम को मैं ब्लेंडर में डाल रही हूँ, साथ ही कंडेंस मिल्क का टिन डाल रही हूँ। पाइनएप्पल जेली जो हमने तैयार की थी वो जम चुकी है, वो ऐड की। इवेपोरेटेड मिल्क ऐड कर रही हूँ और पाइनएप्पल के चंक्स डालूंगी। आप चाहें तो यहाँ पर आधा पाइनएप्पल का टिन डाल सकते हैं और आधा बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे सिर्फ 8 से 10 सेकंड के लिए ब्लेंड करेंगे। ज़्यादा देर ब्लेंड किया तो ये बहुत पतला हो जाएगा। इसके बाद हम ब्लेंड किया हुआ सारा मिक्सचर सर्विंग डिश में निकाल लेंगे और इस स्टेज पे हम बचे हुए पाइनएप्पल्स को इसमें छोटे छोटे टुकड़े करके डाल के रख सकते हैं। हमें इस मिक्सचर को 6 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है और सर्विंग से थोड़ी देर पहले हम इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे। अगर हमने पहले गार्निशिंग कर दी तो वो नीचे जाके बैठ जाएगी और हमारा सूफ़ले मज़ेदार सा तैयार है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो जाके इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।